हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन से इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर एंड फर्स्ट एड बॉक्स में। तो यह वीडियो जो है रिलेटेड है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में फुल जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इंजेक्शन है एट्रोपिन। जान लेते इसका डोज के बारे में। उसका डोज जो होता है 0.5 mg प्रति ml में होता है। जान लेते इसके रूट के बारे में। तो यह मांस में लगाया जाता है, नसों में लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। आप जान लेते इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो होता है, यूज टू ट्रीट बॉडी कार्डिया एंड एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में इसका यूज किया जाता है। टू डिक्रीज म्यूकस सेक्रेशन में किया जाता है एंड स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन में इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्रोसिमाइड इंजेक्शन है। बात कर लेते इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है 20 mg/2 ml में होता है। बात कर लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है IM and IV, यानी इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो किया जाता है हाइपरटेंशन के मरीजों में किया जाता है एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालता है, टू ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड लीवर डिजीज एंड किडनी डिजीज में इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है डिजॉक्सिन इंजेक्शन। आप जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है 0.5 mg/ml में होता है। आप जान लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है IV, यानी इंट्रावेनस ही लगाया जा सकता है। आप जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो किया जाता है इरेगुलर हार्ट बीट में इसका यूज किया जाता है एंड हार्ट फेलियर यानी हार्ट अटैक में भी इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है पोटेशियम क्लोराइड। जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है 150 mg/ml में होता है। अब जान लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है डिजॉक्सिन की तरह होता है, जिससे इसको IV इन्फ्यूजन यानी केवल नसों में लगाया जा सकता है। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो किया जाता है टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया में इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है। जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है 100 mg/ml में होता है। जान लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है IM and IV, यानी मस्कुलर एंड नसों में दोनों प्रकार से लगाया जा सकता है। जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो होता है कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, यानी बढ़ा देता है कैल्शियम लेवल को। इसका यूज जो किया जाता है हाइपोकैलेमिया में किया जाता है, और इसका यूज किया जाता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है फेनरामाइन इंजेक्शन है, जो ब्रांड नेम से आता है एविल के नाम से। जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। उसका डोज जो होता है 22.75 mg होता है। जान लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है IM and IV, यानी दोनों सिरों द्वारा लगा सकते हैं, यानी मस्कुलर और नसों में दोनों लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसकी यूज के बारे में। तो इसे यूज जो किया जाए टू ट्रीट एलर्जी कंडीशन में, जिसे लाइक रनी नोज, स्नीजिंग, इचिंग एंड वाटरी आई में इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है। जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है 75 mg/ml में होता है। जान लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है IV यूजुअली, यानी इंट्रावेनस ही लगा सकते हैं, यानी नसों में ही। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो किया जाता है यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया में इसका यूज किया जाता है एंड कोकेन टॉक्सिसिटी में इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन है। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम सक्सनेट इंजेक्शन होता है। जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो उसका डोज जो होता है 100 mg होता है। जान लेते हैं इसके रूट के बारे में। तो इसका रूट जो होता है इंट्रावेनस ही इसको यूज लगा सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका यूज जो होता है टू ट्रीट स्किन एलर्जी कंडीशन, यानी स्किन में कोई भी एलर्जी हो तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज जो किया जाता है अस्थमा के पेशेंट में इसका यूज किया जाता है एंड ऑटो इम्यून डिजीज में इसका यूज किया जाता है एंड डायजेप्टिव में भी इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है। आप जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज जो होता है 4 mg/2 ml में होता है। इसका रूट जो होता है IV and IM, यानी इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं। इसका यूज जो होता है COPD, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इसका यूज किया जाता है एंड अस्थमा के पेशेंट में इसका यूज किया जाता है एंड एलर्जी कंडीशन, यानी एलर्जी में कोई किसी भी प्रकार का कंडीशन हो, खुजली हो तो, इरिटेशन हो तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। इसका डोज जो होता है 5 mg/2 ml में होता है। रूट के बारे में बात करें तो इसका रूट जो होता है IV इन्फ्यूजन यूजुअली, यानी इंट्रावेनस इसको लगा सकते हैं। इसका यूज जो किया जाता है यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन के पेशेंट में किया जाता है एंड चेस्ट पेन में इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।